ये हमने एक टनल बोरिंग मशीन का प्रोटोटाइप बनाया है, जिसका मेन पावर टोटल 12 वोल्ट का पावर सप्लाई लेके यूज़ किया। तो उसके लिए 12 वोल्ट 10 एम्पियर कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, और इसका सारे कंट्रोल यहाँ पे है। लेकिन एक्चुअली कंट्रोल केबिन हम लोग यहाँ पे एक डेमो के लिए दिखाया है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ फिक्स नहीं कर सकते, इसीलिए बाहर कंट्रोल के पैनल बाहर बिठाए। अभी इसमें हमारा टोटल 6 फंक्शंस दिखा है, ये कट रेट का फंक्शंस, ये स्क्रू कन्वेयर का फंक्शंस, ये बेल्ट कन्वेयर का फंक्शंस, ये चारों, ये है इरेक्टर का ट्रैवल और रोटेशन के लिए। तो हम लोग अभी एक एक करके फंक्शंस दिखाएंगे। सबसे पहले ये कट रेट का, देखिए पावर स्विच में ऑन कर दिया, और ये है डायरेक्शन कंट्रोल के लिए, और ये है इसका स्पीड कंट्रोल के लिए पोटेंशियोमीटर। तो अभी मैं डायरेक्शन कंट्रोल ऑन कर दिया फॉरवर्ड में, अभी इसको स्पीड पढ़ाऊंगा, देखिए कट रेट हो गया, देखिए स्पीड थोड़ा थोड़ा करके पड़ रहा है, मैक्सिमम स्पीड जा सकते हो, ये मैक्सिमम स्पीड है घंटा आपको जरूरत है। और इसके बाद आते हैं स्क्रू, ये देखिए ये है स्क्रू, स्क्रू कन्वेयर, इसके अंदर स्क्रू कन्वेयर है, जो भी कट रेट मिट्टी एक्सकेवेशन करेंगे तो स्क्रू कन्वेयर के अंदर यहाँ से आपको दिखेगा सामने से, तो स्क्रू कन्वेयर हो जाएगा। जो भी मिट्टी सामने चेंबर में रहेगा स्क्रू के अंदर से आएगा, और यहाँ पे स्क्रू गेट है, ये गेट से इसके ऊपर गिरेगा। अभी मैं बेल्ट कन्वेयर को चालू करता हूँ, देखिए ये बेल्ट कन्वेयर का मैकेनिज्म है, मोटर है, इसको सब गियर अरेंजमेंट किया गया है, तो मैं बेल्ट कन्वेयर चालू करता हूँ। तो कटरे घूम रहे, स्क्रू घूम रहे, उसके बाद बेल्ट कन्वेयर से मिट्टी अरे यहाँ आएगा, तो यहाँ हम लोग हॉपर यूज किया, ऊपर के अंदर से मिट्टी गिरेगी, मिट्टी नीचे बाकी रहेगा, फिर वो मिट्टी लेके लेकर बाहर कर। और इसके साथ हम लोग पीजीएम का एडवांस फंक्शन भी देखेंगे, देखिए ये दो सिलेंडर यूज किए, दो सिलेंडर और एक कंप्रेशर यूज किए, न्यूमेटिक सिलेंडर, और इसको पहले कंप्रेशर को ऑन कर लेते हैं, बंद ये सामने से दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ से। अभी हम माइनिंग के लिए एडवांस फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं, सारे फंक्शन में ऑफ कर देते हैं, सारे फंक्शंस में ऑफ कर देता हूँ। अभी आपको इरेक्टर का फंक्शन दिखाता हूँ। इरेक्टर में दो ही फंक्शंस हम लोग यूज़ किए, एक रोटेशन और एक है ट्रैवल, और उसके साथ एक सेगमेंट का एक डैमी दिखा है जो उसके साथ फिक्स है। तो सबसे पहले हम रोटेशन दिखाते हैं, देखिए उसके साथ सेगमेंट फिक्स है, रोटेशन हो रहा है, उसके साथ आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। एक रोटेशन हो रहा है, इसके साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं।